गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीकाकार बनाया जा रहा था कि बकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज हों, और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक की किस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो लोगों के घरों में घुस के जो है वो किस तरह से लोगों को हलाक कर रही हैं और लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है और इस तरह से जो है वो फिर वाकया जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए और इंटरनेशनल मीडिया में उछाल के तो जो है वो फिर इंसानी हकूक और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। क्योंकि जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का, यानी जो एक्चुअल एक्ट जो है वो करने का इरादा या उनका प्रोग्राम है तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए ताकि कौम को इस गुमराह इमरानी टोला जो है इसका असल चेहरा जो है वो लोगों के सामने यहाँ हो कि इन लोगों ने 9 मई को जो जुल्म किया इस मुल्क और कौम के साथ और कौम के यानी उन निशानियों को जो कि प्राइड थी कौम का और शहदा की फैमिलीज को जिस तरह से इन्होंने दुख और रंज से दो चार किया और जिस तरह की इन्होंने जो है वो मुल्क और कौम में एक हैजानी कैफियत पैदा करने और अदारों को तकसीम करने की जो है वो एक नापाक कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी कौम ने जो है वो बड़ी यकजहती के साथ जो है वो उसको फेस किया और जब उसमें ये टोला बिल्कुल नाकाम हो चुका है तो उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की कि इस मामले को जो है वो पूरी दुनिया में इस अंदाज से फैलाया जाए कि ये कहा जाए कि जी ये जो है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके लिए इन्होंने काफ़ी तगुदो की जलमे खलील जात जैसे जो है वो लोग जो कि यानी लॉबीस्ट हैं जिनका काम है कि पैसे लेना और उसके बाद फिर गलत चीज़ों को जो है वो प्रोजेक्ट करना, तो उन लोगों की इमदाद मदद हासिल की गई और लॉबीज को जो है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व किया गया। तो अब वो ड्रामा जो है वो नहीं चल सका क्योंकि जलते घर और शहदा की यादगारों के ऊपर जो इन्होंने बेहुरमती की, जब वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी कौम के सामने पेश की गई, वो सारी दुनिया के सामने पेश की गई कि ये किस किस्म का सफाक टोला है कि जिन्हें जो है वो शहदा की जो है वो निशानियों का भी पास नहीं है और जिन्होंने किस तरह से जो है वो घरों को पहले लूटा और उसके बाद जो है वो उनको आग लगाई और किस तरह से जो है ये लोग जो है वो इनकी प्लानिंग इनकी मनसूबाबंदी ये सारी चीज़ें जो है ये सब सामने आई। तो अब इन्होंने जो है ये एक इंतहाई घरौना इंतहाई घटिया जो है वो
ड्रामा रचाने की जो है इन्होंने ये मनसूबा बंदी की है। और ये मनसूबा बंदी क्योंकि इंटेलिजेंस अदारों ने इसे बर वक्त जो है इसे कैप्चर किया है, और क्योंकि ये अंदेशा था कि ये शायद आज ही रात ये किसी जगह पे जो है ये ड्रामा करने वाले हैं, तो ये मुनासिब समझा गया कि मुल्क और कौम को जो है वो इनके इस ड्रामे से जो है वो आगाह कर दिया जाए। और मैं दोबारा ये बात जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उन वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने जो है वो इंस्टिगेट किया, जिन लोगों ने जो है वो लोगों को गुमराह किया, और जो लोग गुमराह हो के जो है वो मौके पे गए, कुछ लोग उनको मौके पे लेके गए, और वहाँ पे जिन्होंने दिफाई तनसीबात को जो है वो नुकसान पहुँचाया, वहाँ से चीज़ें उठा के ले गए, चीज़ों को जला दिया, घरों को जलाया, और वहाँ पे जो है वो नुकसान किया, डैमेज किया, तो उन लोगों को जो है वो करार वाक़े सजा मिलेगी, उन्हें हर कीमत पे इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, किसी से कोई रू रैत जो है वो नहीं बरती जाएगी। लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और आर्मी चीफ का ये अज़म भी मौजूद है कि किसी बेगुनाह को जो है वो किसी मामले में इन्वॉल्व जो है वो नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने दिफाई तनसीबात को डैमेज किया है, हमलावर हुए हैं, नुकसान पहुँचाया है, उनके चलान जो हैं या उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, और बाकियों का जो है वो मामला या तो अगर दहशतगर्दी से मुतलक है, कोई घराव जला हुआ है, तो वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के तहत चलेगा, और बाकी जो है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जो है वो मुकदमा चलेंगे। इसमें मुकम्मल मेरिट का और इंसाफ का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग कसूरवार हैं, उन्हें किसी तौर पे जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई बेगुनाह है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए। ये गवर्नमेंट का अज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़म है, और इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक जो है वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं इस गुमराह टोले को और इसके सरगना को ये वाजे करना चाहता हूँ कि वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है, उसने जो किया है, जो नफ़रत जो उसने इस कौम के नौजवानों के जहनों में बोई, जिस नफ़रत को उसने परवान चढ़ाया, उस नफ़रत की आग में वो खुद ही जो है वो जल रहा है। और वो अगर इस किस्म के और ड्रामे घड़ने की और इन ड्रामों के ज़रिए से अपने आप को मजलूमियत साबित करने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों में भी नाकाम रहेगा। सोशल मीडिया पे भी इन्होंने इस किस्म की खबरें, इस किस्म की तस्वीर पिछले दिनों में जो है वो जारी की हैं, लेकिन वो भी फौरी तौर पे जो है वो उनको रद्द किया गया, उनको पकड़ा गया और बताया गया कि ये कौन सी तस्वीर कहाँ से ली गई है और कहाँ पर जो है वो उसको दिखाया जा रहा है। तो मैं ये चीज़ जो है ये कौम के नोटिस में लाना चाहता था कि इस किस्म की भी जो है वो हरकत या घटिया हरकत या ड्रामेबाजी की कोशिश हो रही है, जो कि किसी वक्त भी जो है वो सामने आ सकती है। ऐसी हर कोशिश को इंशाअल्लाह ताला नाकाम बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।